यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचेंगे। पीएम के इस ड्रीम प्रोजेक्ट से वाराणसी में टूरिज्म को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मिली जानकारी के अनुसार आज पीएम मोदी अपने इस महत्वाकांक्षी योजना का लोकार्पण आचार्यों द्वारा तय किए गए शुभ मुहूर्त पर ही करेंगे। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि काशी कॉरिडोर की खासियत क्या है जिसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। बीते 241 सालों के इतिहास में काशी विश्वनाथ मंदिर का तीसरी बार रेनोवेट किया गया है। इस पवित्र मंदिर को मुगलों ने कई बार नेस्त नाबूद करने की कोशिश की थी। मुगलों द्वारा किए गए हमलों ने काशी विश्वनाथ मंदिर को काफी क्षति भी पहुंचाई है। सबसे पहले इस मंदिर को सन 1780 में महारानी अहिल्या बाई होलकर द्वारा रेनोवेट करवाया गया था। इसके बाद सन 1853 में महाराजा रणजीत सिंह इस मंदिर के कई स्थानों पर स्वर्ण जड़वाए थे और इसके बाद साल 2019 में पीएम मोदी की परियोजना के तहत इस मंदिर में भव्य कॉरिडोर का निर्माण का काम शुरू हुआ था। आपको बता दें कि कॉरिडोर दो भागों में बांटा गया है। मुख्य परिसर को बनाने में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कॉरिडोर में चार बड़े बड़े गेट है जिसके चारों तरफ एक पत्थर और खास लगाया गया है और इस पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं। इसमें आदि शंकराचार्य की स्तुतियां, अन्नपूर्णा स्त्रोत, काशी विश्वनाथ की स्तुतियां और भगवान शंकर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों का उल्लेख किया गया है। काशी विश्वनाथ गलियारे के एंट्री गेट की संरचनाएं पारंपरिक शिल्प कौशल का उपयोग कर बनाई गई है जो हमारी संस्कृति और इतिहास को दर्शाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की वेबसाइट की माने तो इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे में ये खासियत हम बता रहे थे आपको काशी विश्वनाथ मंदिर की। आपको ये भी बता दें कि अब तैयारियां जो है वो पूरी तरह से कर ली गई है क्योंकि दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और जो आचार्यों की तरफ से समय मुहूर्त निकाला गया है उसके अनुसार ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया था आज वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। जी हां, आज पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने उत्तर प्रदेश की नगरी और अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी क्रूज के जरिए घाट पर पहुंचेंगे, कलश में गंगा जल भरेंगे और फिर उसी जल से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हर एक हिस्सा सज धज कर पूरी तरह से तैयार है और इस बेहद खास कार्यक्रम के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ही नहीं बल्कि पूरी बनारस में विशेष इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये कल की तस्वीरें हैं, किस तरह से काशी में तैयारियां की गई है उसका खुद जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। साथ ही आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्रूज में मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और इसी क्रूज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सवार होंगे। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी के आने से पहले ही काशी शिव के रंग में रंगी नजर आई। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ कई लोग घाट पर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री के आगमन के लिए बन रहे हेलीपैड, सीएनजी पेट्रोल पंप सहित दूसरे निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा ने अपने परिवार सहित काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पीएम मोदी के आपको बता दें कि कार्यक्रम क्या है ये बता देते हैं कि किस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचेंगे और किस समय क्या कुछ करेंगे। तो ऐसे में कॉरिडोर के उद्घाटन का मुहूर्त दोपहर 1 बजे से 1:30 के बीच का रखा गया है। क्रूज पर सवार होकर पीएम मोदी काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे। उसके बाद पीएम मोदी मंदिर परिसर में करीब 1.5 घंटे का वक्त भी बिताएंगे। साथ ही लोकार्पण पर 27,000 शिव मंदिरों में पूजा अर्चना होगी। शाम को क्रूज पर सवार होकर दशावमेध घाट की आरती भी पीएम मोदी देखेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी क्रूज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होने वाले हैं और शाम के समय आरती का लुत्फ वो उठाएंगे।